हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे गांधी और इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिल्ली में किया गया था। जो वायसराय ऑफ इंडिया होते थे वो दिल्ली में ही रहते थे। तो गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ, यानी समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था, इसमें क्या क्या प्राविधान किए गए थे, इसकी आलोचना क्यों की जाती है, इस पे गांधी जी की क्यों आलोचना बहुत ज़्यादा की जाती है, कब किया गया, तो इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे, जिससे पीटी और मेंस के जो क्वेश्चन हैं उनको आप बहुत आसानी से हैंडल कर ले जाएंगे, जो भी इरविन समझौते से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले कौन सी घटना हुई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आपने देखा कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और उसी दौरान लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं गई थी, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था, ये प्रश्न भी आपके लिए बनता है। जब कांग्रेस वहां पर नहीं गई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि ये ऐसी बारात है जिसमें दूल्हा ही नहीं है। कोटेशन आपसे पूछा जाता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये तो एक ऐसी बारात है जिसमें दूल्हा ही नहीं गया। खैर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ, वहां पर आपने देखा कि देसी रियासतों ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, मुस्लिम लीग ने और अन्य प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे, अपनी अपनी मांगों को रखा, लेकिन कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकल सका। इससे सरकार ने यह सोचा कि चूंकि इसमें कांग्रेस, जो कि भारत की एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, वो सम्मिलित नहीं हुई है, जब तक कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में नहीं बुलाया जाएगा तब तक गोलमेज सम्मेलन का वास्तविक जो अर्थ है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए गोलमेज सम्मेलन के बाद में जो भारत के वायसराय इरविन साहब थे, उन्होंने एक घोषणा की, सार्वजनिक तौर से उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में बुलाना जरूरी है। तो उस समय तेज बहादुर सप्रू ने भारत सचिव और भारत के वायसराय इरविन को एक सुझाव दिया कि यदि आप चाहते हैं कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग ले तो सबसे पहले आपको जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुद्दा है उस पे आपको गांधी जी से बात करनी होगी, यानी गांधी जी से आपको समझौता करना पड़ेगा, तभी जो है कांग्रेस यहां शामिल हो सकती है। और उसके लिए सबसे पहला कार्य है एक माहौल तैयार करना, और माहौल तैयार करने के लिए गांधी जी को जेल में चूंकि डाल दिया है आपने, उनको रिहा किया जाए, प्रमुख प्रमुख नेताओं को रिहा किया जाए, तभी जाकर के गांधी जी के साथ में कोई एक समझौता हो सकेगा। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता कराने में सबसे अधिक प्रयास किसने किया था, तो दो व्यक्तियों का नाम आता है, तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर। इन दो लोगों के प्रयास से ही गांधी इरविन समझौता हो पाया था, और भी लोग थे, प्रमुख दो लोग थे ये। तो जब गांधी इरविन समझौता पे बात करेंगे तो कई चीजें हमको जाननी है, तो सबसे पहले हम क्यों हुआ इसको देख लेते हैं। तो पहली चीज जो हमारी निकल करके आई है पॉइंट, क्यों, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का असफल हो जाना, यही सबसे मेन कारण है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये हुआ, ये असफल हुआ। असफल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हो पाए और बात आधे में ही रह गई, कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचा। तो इसके बाद में जब ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो इरविन ने एक बयान दिया। इरविन ने कहा कि कांग्रेस का शामिल होना जरूरी है, कांग्रेस को शामिल करना है। अब देखिए, यहां पर आपको एक चीज जाननी होगी, भारत के वायसराय इरविन ने यहां पर, जब महात्मा गांधी ने अपनी सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले 11 मांगे रखी थी, जिसको आपने 11 सूत्री मांगों के रूप में जाना था, या उससे पहले आप चले जाएं तो नेहरू रिपोर्ट रखी गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे यानी 14 सूत्री कार्यक्रम रखा था, तो इरविन वही वायसराय है जिसने इन सभी मांगों को ठुकरा दिया था। गांधी जी ने अंतिम
समय पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से दो दिन पहले ही इरविन को पत्र लिख करके सूचित किया था कि अगर आप हमारी मांगों पर विचार करें तो हम आंदोलन ना शुरू करें। उस समय इरविन ने गांधी जी से बात करना उचित नहीं समझा, यहां तक कि उनके पत्र का जवाब भी स्वयं देना इसने उचित नहीं समझा। लेकिन आज वो समय आ गया है जब इरविन को लग रहा है कि कांग्रेस को शामिल किया जाए, और इसके पूर्व गांधी जी को जेल में डाल दिया था और कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित किया जा चुका है। इस बिंदु पर आप ध्यान दें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद में इरविन उसी कांग्रेस से बात करने के लिए तैयार है जिसको अभी कुछ दिन पहले गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया है। तो यहां पर एक बिंदु मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस, जब हम बात करेंगे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि को छोड़े जाने के संबंध में, तो एक वहां पर बात यह की जाती है कि इस समय सरकार जो है गांधी जी के दबाव में थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इरविन बात करना चाहता है जबकि उसी ने कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित किया है, फिर भी बात करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के सामने झुकी हुई थी, ऐसा माना जाता है। इसीलिए लोगों ने कहा कि यदि सरकार झुकी हुई थी और सरकार ने पहली बार अपनी तरफ से कांग्रेस से समझौता करने का प्रस्ताव रखा था तो उस समय गांधी जी को अपनी सारी बातें मनवा लेनी चाहिए थी, ये आलोचकों का कहना है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि गांधी जी कोई वायसराय तो थे नहीं भारत के, वायसराय तो इरविन था, इरविन से सिर्फ गांधी जी कह ही तो सकते थे, और इरविन भी कहां से संचालित होता था, ब्रिटेन की संसद से संचालित होता था। इसीलिए जो आप चाहोगे वो 100% नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो है बहुत सारी बातें गांधी जी की नहीं भी मानी गई थी और बहुत सी बातें मानी भी गई थी। दूसरी कुछ बातों पर आलोचना की जाती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब बहुत अपने उफान पर चल रहा था तब गांधी जी ने इरविन से समझौता कर लिया। आलोचक ये कहते हैं कि गांधी जी ने इरविन से समझौता कर लिया, जो गलत है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि नेताओं ने कहा कि यह समझौता नहीं होना चाहिए था क्योंकि इस समय हमारा आंदोलन बहुत ही तीव्र गति से चल रहा था, हम सरकार को और ज्यादा झुका सकते थे। लेकिन अब गांधी जी की तरफ से आपको पक्ष में यह सोचना है कि कोई आंदोलन किया ही इस उद्देश्य से जाता है ताकि अपनी मांगों को मनवाया जा सके, और इस समय गांधी जी ने कहा कि चूंकि इरविन हमारी बात सुनने के लिए तैयार है तो हम इसीलिए तो आंदोलन कर रहे थे कि सरकार हमारी बात सुने, अब हम अपनी बातों को वहां पर रखेंगे और समझौता करेंगे। तो इन दोनों पक्षों पर आपको विचार करते हुए चलना है। गांधी जी का मानना था आंदोलन समझौता, आंदोलन समझौता। जैसे बाल गंगाधर तिलक भी कहते थे कि यदि आप 16 आने के लिए किसी सत्ता से लड़ाई कर रहे हैं, अगर वो आपको एक आना दे देती है तो उस एक आना को अपनी जेब में रख लीजिए और उसके बाद पुनः अपना संघर्ष 15 आने के लिए शुरू कर दीजिए। तो ये एक रणनीति थी। तो यहां पर इरविन ने कहा कांग्रेस को शामिल किया जाए, तो दो व्यक्तियों का आपको नाम याद रखना है, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर। प्रयासों से गांधी जी को रिहा किया गया एवं गांधी इरविन समझौता हुआ, इरविन समझौता हुआ। एक वो बात भी आप याद रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा कहीं साइड में। तो ये आपका हो गया कारण, और दो नाम आपको याद रखने हैं, तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर। अब देखिए गांधी इरविन समझौते में कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी आपको ना तो रटना है और ना ही कोई ऐसी चीजें आने जा रही हैं जो आपको पता ना हो, बहुत सिंपल बहुत सरल आपको समझ में आ जाएगा और आप आसानी से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा आप उसे कर लेंगे। तो देखिए इतना
आपने समझ लिया, अब हम समझते हैं कि यह समझौता था क्या आखिर, और इसमें क्या क्या किया गया, क्या क्या नहीं किया गया। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, पैक्ट मतलब समझौता ही होता है। कब किया गया इसको? ये हस्ताक्षर हुए इस पे 5 मार्च 1931। हालांकि बातचीत बहुत लंबी चली थी फरवरी से ही, 5 मार्च 1931 में ये समझौता हुआ, इस पे हस्ताक्षर किए गए। अब इसमें जो है गांधी और इरविन के बीच में जब ये समझौता होने जा रहा था तो इरविन की भी बहुत ज्यादा प्रशंसा देश में हो रही थी कि इरविन जो है वायसराय अच्छा वायसराय है जो बातचीत करने के लिए तैयार है। और ये कैसे पता चलता है? सरोजनी नायडू ने कहा, यहां पे कुछ आपको बातें याद रखनी है। सरोजनी नायडू ने कहा कि ये जो है गांधी और इरविन ये क्या है, दो महात्मा हैं। गांधी जी एक महात्मा थे, अब ये दूसरे महात्मा इसमें आए, तो कहा कि ये दो महात्मा हैं। देखिए महात्मा जो होता है, जब आप किसी को महात्मा की संज्ञा दे देते हैं तो फिर उसकी एक छोटी सी भी गलती बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है, क्योंकि वास्तविक रूप से एक इंसान एक महात्मा नहीं बन पाता है, क्योंकि इंसान से कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। और जब उसे आप महात्मा का दर्जा दिए होते हैं तो फिर उसकी छोटी गलती भी आपको बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है, कि आप सोचते हैं कि एक महात्मा होकर के इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो गांधी जी को महात्मा समझा जाता था उसमें, तो यहां पे कहा गया कि ये दो महात्मा हैं। अच्छा, सभी लोग तारीफ करने वाले नहीं थे, कुछ लोग बहुत जबरदस्त विरोधी भी थे। जैसे आपको एक नाम याद रखना है, विंस्टन चर्चिल। जैसे इनका नाम चर्चिल है, वैसे बहुत चर्चित बातें भी करते थे जो मीडिया में रहती थी। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, अल्टरनेट क्रम में कभी रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बन जाते थे, कभी विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बन जाते थे। और विंस्टन चर्चिल जो है वो भारत विरोधी दृष्टिकोण रखते थे, भारत के हित की कोई बात इनके समझ में नहीं आती थी। गांधी जी के बहुत विरोधी थे, गांधी जी पर भी अक्सर जो है अपमानजनक कमेंट कर देते थे, और इनको जो है गांधी जी की विचारधारा नहीं पसंद थी। तो इन्होंने कहा कि गांधी जी को इन्होंने इस समय कहा कि ये जो गांधी इरविन वार्ता है, गांधी इरविन की जो वार्ता होने जा रही बातचीत, ये सही नहीं है। यानी इनको नहीं पसंद था कि गांधी और इरविन के बीच में कोई वार्ता हो। तो इन्होंने कहा कि गांधी जी क्या हैं? गांधी जी को इन्होंने संबोधित किया था राजद्रोही फकीर, अधनंगा फकीर, राजद्रोही फकीर, आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि राजद्रोही फकीर जो है वो अब वायसराय से बात करेगा, और इसको गोलमेज सम्मेलन में बुलाया जा रहा है, जहां पर ये हमारे प्रधानमंत्री से स्तर पर जाकर के बराबर में बैठ करके बात करेगा। ये तो फकीर है, राजद्रोही है, इसने राजद्रोह किया हुआ है। तो विंस्टन चर्चिल इस चीज से असहमत थे, गांधी और इरविन की वार्ता से, और इनका मानना था कि जो गांधी हैं, गांधी जो है वो सम्राट के प्रतिनिधि के बराबर बैठने लायक नहीं है, बराबर बैठने लायक नहीं है, ये इनका मानना था विंस्टन चर्चिल की। तीनों बातें पूछी गई हैं, कभी कभी सेंटेंस रूप में पूछा गया है कि किसने कहा था कि एक राजद्रोही फकीर अब सम्राट के प्रतिनिधि के बराबर में बैठ करके बात करेगा, ये उचित नहीं है, अब ऐसा समय आ गया है। देखिए भारत की आजादी से थोड़ा सा पहले विंस्टन चर्चिल ही प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उस समय भी इन्होंने बहुत ज्यादा व्यवधान क्रिएट किया हुआ था। एक पार्टी लेबर पार्टी जो है वो थोड़ा सा भारत के पक्ष में कार्य करती हुई थोड़ा बहुत दिखाई पड़ती है, हालांकि उतना नहीं, लेकिन ये लगता है कि हाँ लेबर पार्टी थोड़ा सा सकारात्मक थी भारत के प्रति। और इसीलिए जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन था तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे वहां ब्रिटेन के, उस समय पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में थोड़ा ज्यादा सकारात्मक माहौल था,
लेकिन जब द्वितीय गोल में सम्मेलन में गांधी जी जाएंगे उस समय तक प्रधानमंत्री तो रैमजे मैकडोनाल्ड ही रहेंगे, लेकिन वो सरकार उनकी लेबर पार्टी की गिर चुकी होती है और वहां पर एक मिलीजुली सरकार बन जाती है, तो उतना अच्छा माहौल भी नहीं बाद में रह गया था। तो ये दो वक्तव्य आपको याद रखने हैं गांधी इरविन पैक्ट के विषय में। अब हम बात करेंगे कि इस पैक्ट में क्या था। तो देखिए, जब भी कोई समझौता होता है तो उसमें दोनों पक्षों को कुछ न कुछ बातें माननी पड़ती हैं। तो यहां पर हम दो तरीके की बातें करेंगे, कुछ बातें जो इरविन ने मानी, यानी आप कह लीजिए जो सरकार ने मानी, और बाकी बातें जो गांधी जी ने मानी या फिर कह लीजिए कांग्रेस ने मानी। तो ये जो समझौता हुआ इसमें शर्तें जो सरकार ने स्वीकार की, पहले हम ये देख लें कि सरकार पे कौन सी शर्तें रखी गई जो सरकार ने मानी, गांधी जी ने अपनी तरफ से कौन सी शर्तें रखी। सबसे पहली शर्त देखिए नमक कानून के विषय में थी। नमक कानून के विषय में गांधी जी ने कहा कि नमक कानून के लिए हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया है, तो नमक कानून को खत्म किया जाए। इरविन ने कहा इस समय महात्मा जी कानून को खत्म करना संभव नहीं है, यानी पूरी तरीके से हम नमक कानून को नहीं घटा सकते हैं, लेकिन कितने पर जाके बात बन पाई कि नमक कानून में क्या किया गया कि अपने उपयोग के लिए जो समुद्र तट के किनारे लोग रहते हैं वो नमक बना सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते हैं, यानी अपने उपयोग के लिए नमक बनाने पर छूट हो गई, बनाने पर छूट लेकिन बेच नहीं सकते, यानी कि व्यापार करने के लिए नमक नहीं बना सकते हैं, अपने उपयोग के लिए जो समुद्र तट पर लोग रहते हैं वो नमक बना सकते हैं। दूसरी बात कौन सी मानी सरकार ने, गांधी जी ने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको पता है 90-92 हजार लोगों को, कोई स्पष्ट गिनती नहीं है, लगभग 90-92 हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो कहा गया कि जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं उनको सबको छोड़ा जाए, यानी यहां पर कहा गया जितने भी राजनीतिक बंदी हैं और पहले भी इसके जो हुए हैं, जितने भी राजनीतिक बंदी उनको रिहा करो। अब यहां पर भी जो है जो समझौता हुआ उसमें हिंसा का आरोप जिन पर था उनको छोड़कर, हिंसा के आरोपी को छोड़कर, यानी जितनी बातें कही जा रही हैं उसमें थोड़ा बहुत इरविन भी अपना जो है हस्तक्षेप करता जा रहा है, जैसे नमक कानून में पूरी तरीके से नहीं हुआ, राजनीतिक बंदियों में हिंसा के आरोपी को छोड़ करके, और जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव क्या है उन पे हिंसा का आरोप है, मर्डर का आरोप है, तो इसीलिए उनको नहीं छोड़ा गया। तो तीसरा शर्त जो सरकार ने मानी, ये सब सरकार मानती जा रही शर्त ये है, कुछ संपत्तियां जब्त कर ली गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब गिरफ्तारियां हुई या जिनको इस नमक बेचने या कानून तोड़ने में पाया गया, तो उनकी संपत्ति भी जो है जब्त कर ली जाती थी सरकार के द्वारा, चल और अचल संपत्तियां। तो यहां पर कहा गया जितनी भी अचल और चल संपत्तियां हैं वो वापस की जाएं, जब्त की गई संपत्तियां वापस हो, वापस करेंगे। लेकिन यहां भी सरकार ने कह दिया कि कुछ चल संपत्तियां जब्त की जाती हैं जो बेची जा सकती है आसानी से, तो जो विक्रित की जा चुकी हैं उनका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो उतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, जब्त की गई संपत्तियां जो है वो वापस करेंगे, इस पे सरकार राजी हो गई। और एक मांग रखी गई कि बहुत सारे मुकदमे भी आपने लगाए हुए हैं, जिनको पकड़ा है उनके ऊपर केस दर्ज किया है कानून तोड़ने का इत्यादि, तो वो मुकदमे भी वापस लिए जाएं,
यानी कि आंदोलन के दौरान जो अध्यादेश आपने लगाए हैं, अध्यादेश वापस लें, मुकदमे वापस लें, ये दोनों चीजें की जाएंगी। अगला बिंदु था जिन लोगों ने नौकरी त्याग पत्र दे दिया है। कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी ना, आपने देखा था कि बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी, तो जिन लोगों ने नौकरी त्याग पत्र दिया है उनको पुनः नौकरी पर रखने पर विचार सरकार करेगी, यानी काउंसलिंग करेगी, और अगर सरकार को लगता है कि उचित है तो उन व्यक्तियों को नौकरी वापस दे दी जाएगी, ऐसा कहा गया। अब देखिए प्रश्न में इसी प्रकार से थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, थोड़ा सा विकल्प को घुमा फिरा करके एग्जामिनर डाल देगा और आपसे उत्तर गलत हो जाएगा। और आप सोचेंगे कि गांधी में समझौते में तो ऐसी बात कही गई थी कि नौकरी वापस कर दी गई या कर दी जाएगी, तो ये ऑप्शन कैसे मेरा गलत हो गया। वहां पर अगर इस तरह से ऑप्शन आ जाता है कि गांधी इरविन समझौते में कौन सी बात सही नहीं है या कौन सी बात सही है, तो विकल्प में इस तरह दे दिया, बहुत सारे पॉइंट दे दिए, और यहां पर कहा गया कि जिन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया था उनको पुनः नौकरी दे दी गई, तो ऐसा नहीं है, नौकरी दे दी गई नहीं थी, नौकरी देने पर विचार सरकार करेगी, ऐसा कहा गया था, यानी सभी को नौकरी नहीं दे दी गई थी, कुछ लोगों को वापस मिल गई थी। अगला पॉइंट जो रखा गया, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान आपने देखा था कि गांधी जी ने निर्देश दिया था महिलाओं पुरुषों को कि आप जो है नशाबंदी के लिए प्रयास करेंगे, धरना करेंगे, और उसके लिए शराब की दुकानों के सामने, अफीम की दुकानों के सामने और विदेशी कपड़ों की जो वस्तुओं की दुकानें हैं उनके सामने धरना करेंगे। तो ऐसा धरना बहुत जगह चल रहा था लेकिन सरकार ने इसको गैर कानूनी घोषित किया और गिरफ्तारी की। तो यहां पर एक प्रस्ताव ये रखा गया गांधी जी की तरफ से कि ऐसी दुकानों पर, यानी शराब, अफीम, नशे की दुकानें और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर हम धरना कर सके, कानूनी तरीके से उसके लिए समय निर्धारित कर दिया जाए, यानी कानूनी तरीके से निर्धारित समय सीमा पर आप इन दुकानों के सामने धरना कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सुबह आ गए शाम तक बैठे हुए हैं, पूरा आपने मार्केट ही बंद करवा रखा है, एक निश्चित समय होगा जब आप धरना दे सकेंगे। तो यहां पर कहा गया कि शराब, अफीम, दो ही प्रमुख नशीले पदार्थ, और विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने कानूनी तरीके से निर्धारित समयावधि में, सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा, निर्धारित समयावधि में धरना दे सकते हैं। तो ये इतनी प्रमुख बातें थी जो इरविन ने स्वीकार की, यानी सरकार ने स्वीकार की। अब देखिए इसमें हमें आलोचना भी तो करनी पड़ेगी, अगर मूल्यांकन करने के लिए आ जाता है गांधी इरविन पैक्ट में, और जब इसमें गांधी जी की आलोचना की जाएगी तो किन किन बिंदुओं पर की जाएगी उसको इसी समय समझ लें। नमक कानून वाली बात में गांधी जी की आलोचना की गई कि हमने इतना बड़ा आंदोलन किया और यहां पर कुछ भी नहीं किया गया, जो समुद्र के किनारे कितने लोग रहते हैं अपने उपयोग के लिए, वो थोड़ा सा नमक ही तो बना पाएंगे, जब ज्यादा नमक बनाने की छूट ही नहीं दे रहे, व्यापार के लिए नमक बनाने की छूट ही नहीं दे रहे, तो ये पॉइंट बिल्कुल बेकार ही है। ये जो बंदी रिहा करने वाली बात हुई, यहां पर सबसे ज्यादा आलोचना गांधी जी की ये हुई कि इस समय जब समझौता इरविन कर ही रहा था तो यहां पर हिंसा के आरोपियों को छोड़कर वाली जो शर्त रखी गई ये नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि जो हमारे क्रांतिकारी लोग जेलों में बंद हैं, जिनको फांसी की सजा दी गई है, तीन प्रमुख रूप से उस समय जेल में बंद हैं,
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। 5 मार्च 1931 की ये बात है और उनको फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इसका मतलब है कि इस समय इस समझौते में वो बात डाली जा सकती थी। तो इस पर आलोचना होती है गांधी जी, और गांधी जी का जवाब यह है कि हमने अपनी पूरी तरीके से पूरी कोशिश करके इरविन को ये बात शामिल करने के लिए कहा था, लेकिन वो राजी नहीं हुआ। तो दोनों पक्ष आपको याद रखने हैं। बाकी अन्य चीजें हैं, इन पर भी थोड़ा थोड़ा विवाद होता रहता है, क्योंकि नौकरी देने पर विचार करेंगे तो कहा गया कि नौकरी मिल ही जानी चाहिए थी, विचार की कौन सी बात हुई। और यहां पर समयावधि ऐसी दी जाती थी जिस समय कोई वहां होता ही नहीं था, तो उस समय धरना देने से फायदा क्या है। तो यहां पर माना गया कि गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी की हार हुई है और गांधी जी को सिर्फ ऐसी बातों में फंसा दिया गया है जिनका कोई मूल्य नहीं है, और हमारा आंदोलन इस समय विजय की तरफ था, हम और बड़ी चीजों को मनवा सकते हैं। फिर एक और आलोचना की जाती है जो कि इस आंदोलन का, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य, तो पूर्ण स्वराज्य से संबंधित या उत्तरदायी सरकार से संबंधित या सुशासन से संबंधित, यानी जो बड़ी बड़ी मांगे थी उनसे रिलेटेड कोई इसमें पॉइंट ही नहीं डाला गया। तो उसका जवाब गांधी जी की तरफ से ये है, यानी उनका पक्ष ये था कि इन सब बातों के लिए हम गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे और वहां पर इन चीजों पर वार्ता होगी। तो ये है जो शर्तें सरकार ने मानी। अब सरकार ने कहा ठीक है हम आपकी इतनी शर्तें मानेंगे, इसको आप नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सरकार ने कहा कि इतनी शर्तें हमने आपकी मानी हैं, अब कुछ शर्तें हमारी भी हैं, वो भी आपको तो मानना पड़ेगा, और समझौता जो है वो दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं कि आप ही की बातें मानी जाएंगी। तो अब यहां शर्तें जो कांग्रेस ने स्वीकार की, कांग्रेस या गांधी जी, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस की तरफ से ही तो ये समझौता कर रहे हैं। शर्तें जो कांग्रेस ने स्वीकार की वो कौन कौन सी थी? तो पहली शर्त तो यही कहा कि सबसे पहले तो आप अपना ये आंदोलन बंद करिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कांग्रेस ने क्या स्वीकार किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करें, तो ये ठीक है, स्थगित कर दिया गया, मान लिया गया। दूसरी बात कहा गया कि अब कांग्रेस जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गई, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेना होगा, और विशेष करके अनुरोध करते हैं कि जो लोग भी आप भेजें उसमें गांधी जी को जरूर भेजें, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कौन लोग जाएंगे ये कांग्रेस डिसाइड करती। तो उसमें जो है शर्त रख दी गई कि विशेष करके गांधी जी के लिए हम अनुरोध करते हैं कि गांधी जी को उसमें भेजा जाए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करिए, बंद करें, मान लिया गया। दूसरी बात कहा गया कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम तो हो गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ठीक है, गांधी जी ने कहा ठीक है, ये भी है, जब बंद कर रहे हैं तो भाग लेंगे, तभी तो अपनी बात वहां रखेंगे चल के। तीसरी बात कही गई कि आप लोग ये जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं ये बंद करिए तत्काल तौर से, क्योंकि इससे जो है बहुत नुकसान हो रहा है व्यापार का, तो वो भी बंद कर दिया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी ब्रिटेन की, आप लिखें ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार, बहिष्कार बंद करें, ये इरविन की तरफ से शर्तें रखी गई थी। और चौथी शर्त रखी गई कि जो कांग्रेस मांग कर रही थी कि इस आंदोलन के दौरान पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, उसकी जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए, यानी पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जैसे कि आपने देखा था कि धरसना डिपो पर जब सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मणिलाल और प्यारे लाल इत्यादि के नेतृत्व में जब 2,500 लोग वहां पर पहुंचे, तो कैसे बर्बरतापूर्ण उन पे लाठियां भांजी गई, जबकि वो निहत्थे थे, वो विरोध भी नहीं कर रहे थे और ना ही हमला कर रहे थे, एक अहिंसक रूप से जो
प्रोटेस्ट किया जा रहा था उस पर ऐसी लाठियां चलाई गई या फिर अन्य जगहों पर जो कार्रवाइयां की गई तो उसकी एक जांच होनी चाहिए। तो इरविन ने कहा कि ये मांग आपको वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि शासन प्रशासन चलाने के लिए, न्याय व्यवस्था बनाने के लिए हम ये सारी चीजें जो करते हैं उसकी जांच हम कराएंगे तो आगे हमारा प्रशासन कैसे चल पाएगा, तो इस मांग को आप वापस लीजिए। तो कांग्रेस इस पर राजी हो गई, यानी कि यहां पर इरविन की जो शर्त है जो कांग्रेस ने स्वीकार की वो थी कि कांग्रेस पुलिस कार्यवाही की निष्पक्ष जांच की मांग नहीं करेगी। तो कांग्रेस इस पर भी राजी हो गई कि चलिए ठीक है, जो हो गया सो हो गया, इसमें चलिए आंदोलन के दौरान जो भी हो गया उसकी हम जांच की मांग नहीं करेंगे। अब दो बातें ऐसी हैं जो इरविन ने नहीं मानी। एक तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों की सजा कम करना या उनको जेल से छोड़ना, इस बात पर इरविन राजी नहीं हुआ और जांच पर राजी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अब इसकी हम समीक्षा करते हैं कि किन किन बिंदुओं पर इसकी आलोचना की जाती है। हमने आपको उधर के कुछ बिंदुओं पर आलोचना समझा दी, लिखने की जरूरत नहीं, आप बस याद रखें। इधर के बिंदुओं पर आप आलोचना समझ लें। यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने की बात की गई तो गांधी जी इस पर तैयार हो गए, यानी कांग्रेस इसके लिए तैयार हो गई। आलोचना की जाती है कि जब आप आंदोलन बंद करने के लिए तैयार हो रहे थे तो फिर जो आपकी आंदोलन की मांगे थी, यानी 11 सूत्री मांगे जिसमें लगान कम करना था, आपने देखा था वेतन कम करने थे, रुपए की विनिमय दर को घटाना था, बहुत सारी चीजें जो है आपने 11 सूत्री मांगों में देखी थी, 11 मांगे थी, तो उसमें से एक मांग भी यहां पर मानी नहीं गई और आंदोलन को बंद कर दिया गया तो ये अनुचित था। इसमें माना गया कि ये हार हो गई, आंदोलन असफल हो गया। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएगी तो ठीक है, जाएंगे, उसमें कोई आलोचना की बात ही नहीं है। ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार बंद कर दिया गया तो जब आंदोलन ही बंद हो गया तो ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार भी बंद हो गया। कांग्रेस पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग नहीं करेगी, ये बात भी जो मान ली गई ये भी अनुचित ठहराया गया कि इस बात को भी नहीं मानना चाहिए था। अनुचित कार्रवाई जो की गई उसकी जांच तो होनी ही चाहिए थी। अभी हमारे द्वारा जो लोगों के द्वारा कार्य किए गए हैं उसमें सरकार कार्रवाई करती है और हम जांच की मांग क्यों ना करें। तो इस प्रकार से एक समझौता हो गया। गांधी जी का पक्ष यहां पर यह था कि हमें विपक्षी को पूरा मौका दिया जाना चाहिए और उससे बातचीत करेंगे तभी हम आगे का रास्ता निकाल सकेंगे, और सत्याग्रह का उनका सिद्धांत ये था कि आंदोलन, उसके बाद समझौता, फिर रचनात्मक कार्य, फिर आंदोलन, फिर समझौता, और इसी तरह यह जो है आगे चलता है, ऐसा मानना था गांधी जी का। अब यहां पर देखिए, अगर पूछा जाए कि इस समझौते का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था तो सबसे ज्यादा विरोध सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस समझौते के समर्थन में किसने अपने वक्तव्य जारी किए थे, यानी किसने समझौते पर सहमति की थी, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी का सपोर्ट किया यहां पर, और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इस समझौते से प्रसन्न नहीं थे। हालांकि बाद में सभी लोगों को गांधी जी ने राजी कर लिया था इस समझौते के लिए। इस समझौते के बाद में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च, हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, 23 मार्च 1931 को फांसी की सजाएं दे दी गई और उसके बाद 25 मार्च को कराची में एक विशेष अधिवेशन कांग्रेस का हुआ और वहां पर गांधी जी की बहुत भारी आलोचना की गई, बहुत ज्यादा विरोध किया गया। इस पर हम पीछे चर्चा कर भी चुके हैं, आपको हम मौखिक बता देते हैं। 25 मार्च को जब कराची अधिवेशन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन था, वहां पर जब गांधी जी पहुंचे तो चूंकि इस समझौते की वजह से आंदोलन भी स्थगित हो चुका था और उसके बाद में रही सही कसर जो है वो फांसी की सजा जो क्रांतिकारियों को हो गई उसने पूरी कर दी, जिससे जनता का क्रोध जाग उठा और गांधी जी को बहुत भारी विरोध का सामना उस अधिवेशन में करना पड़ा और काले झंडे दिखाए गए, गांधी गो बैक के नारे लगाए गए और कहा गया गांधीवाद का नाश हो, इस प्रकार के नारे लगाए गए। हालांकि वहां पर गांधी जी ने जनता को संबोधित करके अपना पूरा पक्ष रखने का प्रयास किया।
इन वीर शहीदों के प्रति जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की गई, साहस की सराहना की गई, लेकिन ये भी स्पष्ट किया गया कि अब भी कांग्रेस का जो मूल आधार है वो अहिंसा है और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हमें आज़ादी प्राप्त होगी, वहाँ फिर से दोहराया गया। और कराची अधिवेशन में जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों का एक प्रस्ताव पारित किया गया। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि किस अधिवेशन में और किसने मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य का प्रस्ताव पारित किया था, तो वो कराची विशेष अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू ने एमएन राय की सहायता से ये जो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य का प्रस्ताव पारित करवाया था। और यहीं पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ये आपसे पूछा भी जाता है। कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो ये है पूरा गांधी इरविन समझौता। और इसके बाद इस समझौते के तहत तय हुआ है कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, जहां पर महात्मा गांधी यानी कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जाएंगे प्रतिनिधि के रूप में। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में जब हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।